हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्लूटूथ स्पीकर का चार्जिंग जैक जब उखड़ जाए तो उसको जुगाड़ के माध्यम से कैसे ठीक किया जा सकता है। जब ब्लूटूथ स्पीकर का चार्जिंग जैक ट्रैक के साथ उखड़ जाए तो उसको जुगाड़ से ही ठीक किया जा सकता है। तो ये देखिए, हमारे पास एक ब्लूटूथ स्पीकर है जिसका चार्जिंग जैक उखड़ गया है, तो इसको पहले खोल लेंगे। यह देखिए, यहाँ पर चार्जिंग जैक लगा रहता है, ये ट्रैक के साथ उखड़ गया है। तो इसको अब हम जुगाड़ से चार्जिंग जैक लगाएंगे। यहाँ पर जो एक होता है, यहाँ पर माइनस लगा रहता है और यहाँ पर प्लस, तो हमारे चार्जिंग जैक में दो ही तार लगे रहते हैं, एक माइनस का एक प्लस का। तो हम ऐसे ही इस पर सोल्ड करेंगे माइनस और प्लस का। तो पहले से दो अलग से वायर ले लेंगे, एक माइनस के लिए और एक प्लस के लिए, लाल और नीला में। तो लाल वाला वायर प्लस पर लगाएंगे और नीला वाला वायर माइनस पर लगा देंगे। ये सोल्ड हो गया है अच्छी तरह से। तो अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर लें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। और वायर को चार्जिंग जैक वाले स्थान से बाहर निकाल लेंगे। अब इसको फिट करेंगे वापस उसी तरह। ये फिट हो गया है। अब इस नीले और लाल वाले वायर में चार्जिंग जैक को हम लगा देंगे। वायर को छील लेंगे आराम से, जिससे अंदर से वायर खिंचा ना पाए, नहीं तो टूट जाएगा। तो ये चार्जिंग जैक हम लगाएंगे। इसमें लाल वाला, जो गहरा लाल वाला है वो प्लस है, और वो दूसरा वाला गुलाबी जो है वो माइनस है। तो लाल वाले को लाल वाले में और गुलाबी वाले को नीले वाले में कनेक्शन कर देंगे। ये कनेक्शन हो गया है। अब इसको हम सोल्ड कर देंगे सोल्डिंग की सहायता से। अब इस पर इस प्रकार से टेप लगाएंगे कि दोनों वायर आपस में शॉर्ट ना हो और अच्छी तरह से काम करें। तो ये हो आपका तैयार हो गया है ब्लूटूथ स्पीकर का चार्जिंग जैक लगकर। अब इसको चेक करेंगे कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये काम कर रहा है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।